बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रही मोहतरमाज़ा और वालदेन और प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब ठीक हैं उम्मीद है कि आपको ये मैथ के लेसन बहुत पसंद आ गए रहे होंगे आपने यूनिट वन यूनिट टू में मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरी दी हुई एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया मुझे बहुत खुशी हुई अभी आज हम क्या करने जा रहे हैं आज हम करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड टू में यूनिट नंबर थ्री विच इज़ फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी सेशन मैंने आपको बता दिया था सारे एस एल बता दिए थे आज हम उसका फर्स्ट एस करने जा रहे हैं तो लेसन नंबर वन में हमारा एस क्या होगा रिकग्नाइज फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस को हम रिकोगग्नाइज़ करेंगे एज इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल कि वो किसी भी होल का इक्वल पार्ट्स कैसे होते हैं कैसे हम किसी भी कंप्लीट चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम उसको राइट डाउन कैसे करते हैं तो इस लेसन को कैसे हम अचीव करेंगे हम सबसे पहले ये आपके सामने लेसन प्लान गिवन है इस लेसन प्लान को थॉरली रीड करने से अंडरस्टैंड करने से आप इस काबिल होंगे कि बच्चे को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकें ठीक है मजीद आपको जरूरत हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं देन आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को लास्ट जो हमने यूनिट पढ़ा था उसका रिव्यू लिया जाए तो रिव्यू कैसे लेंगे कि बच्चे से पूछेंगे थ्री डिजिट नंबर में थ्री डिजिट नंबर हम ऐड किस तरह करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट हम थ्री डिजिट नंबर को किस तरह करते हैं बच्चे आपको स्टेप्स बताएंगे फिर बच्चों से पूछेंगे कि बेटा फाइव थ्री और थ्री को मल्टीप्लाई करके दिखाएं बच्चे जब इनको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को लास्ट चैप्टर समझ आया था तो डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है डिस्क्राइब डिवाइड कैसे करते हैं टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से फिर बच्चों से आपने पूछना है कि अगर ए एप्पल क्लास में ला के रखा गया उसके आपने फोर पीसेस करने हैं तो बताइए कि बच्चों कैसे करेंगे बच्चे आपको खुद वो पीसेस करके देंगे क्योंकि यही पीसेस करना क्या है हमारे आज के डे के लेसन का स्टार्ट है तो हम चलते हैं टुडेज लेसन की तरफ टुडेज कॉन्सेप्ट में हमने आपके सामने क्या रखा एक सर्कल रखा और एक क्या रखा स्क्वेयर रखा तो ये मैं आपके कितने साथ लेके आया हूँ ये आपको नजर आ रहा होगा सर्कल और ये नजर आ रहा है आपको स्क्वेयर तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले हम आते हैं सर्कल की तरफ तो सर्कल के हम डिफरेंट पार्ट्स करेंगे ये सर्कल नजर आ रहा है आपको ये हमने पार्ट्स कर दिए अब देखें अब बेसिकली अगर आप नोट करें अब आप मुझे बताएंगे मैं ये बोर्ड मार्कर से आपको शो करूंगा यहां पे यहां पे रख लेता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो अब आप बताएंगे कि मैंने सर्कल के कितने पार्ट्स किए जी सर्कल के मैंने टू पार्ट्स किए कितने पार्ट्स टू पार्ट्स देखें सर्कल क्या था कंप्लीट होल नंबर था वन होल अब हमने इसके क्या किए टू पार्ट्स कर दिए अगर मैं इसको अब टू पार्ट्स में अगर मैं एक को शेडेड कर दूं तो अब देखने की ये बात है कि ये शेडेड आपको कैसे पता लगेगा कि ना शेडेड एरिया कौन सा है और दूसरा एरिया कौन सा है अगर एक पार्ट आप शेडेड कर देते हैं और एक पार्ट को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो क्या होगा आपने जब भी उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है फ्रैक्शन होता क्या है किसी भी चीज को इस फॉर्मेट में लिखना अब ये क्या होता है जैसे सपोज इसको मैंने क्या किया टू पार्ट्स में डिवाइड किया टू पार्ट्स में करने के बाद मैंने इसको मजीद डिवाइड कर दिया ये देखें अब हम मैं इसको ओपन करूंगा तो आप बताएंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं जी अब आप देख के बताएंगे कितने पार्ट्स हैं इसके फोर पार्ट्स हैं अगर मैं एक को शेडिड कर दूं शेडिड कर दिया अब आप देखें कि टोटल पार्ट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर पार्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं और जितना शेडेड एरिया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा कितने शेडेड है वन शेडेड इट मीन्स के सर्कल के कितने पार्ट्स किए गए फोर पार्ट्स उसमें वन एरिया जो शेडेड है अब अगर कोई पूछे कि इसमें से कितना एरिया है जो शेडेड नहीं है तो आप काउंट करें वन टू थ्री इट मीन्स थ्री का जो एरिया वन शेडेड है और यहां पे क्या है थ्री बाई फोर है तो अभी आप क्या करेंगे अभी ये देख रहे हैं आपने टीचर को करके दिखाना है टीचर इस तरह के सर्कल्स आपको देंगे आपने उसको दो टू पार्ट्स में भी करके दिखाना है फोर में भी एट में भी सिक्सटीन में भी थर्टी टू अभी ना करें थर्टी टू में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा तो एक कुछ बच्चे किसको करके दिखाएंगे सर्कल को और कुछ बच्चे क्या करेंगे कुछ बच्चे ये करेंगे कि स्क्वेयर की तरफ जाएंगे अभी स्क्वेयर के तो हमने किया ही नहीं ये आपको स्क्वेयर नजर आ रहा है इसको हमने क्या किया ये देखें कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में अब बच्चों से कहेंगे कि इसका वन एरिया जो है वो शेडेड कर दें अब अगर बच्चे ने एक एरिया शेडेड कर दिया अब इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं टोटल पार्ट्स हैं टू और वन एरिया शेडेड है तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा ओवर इसको हम इस तरह फ्रैक्शन में शो करेंगे अगर अब इसके फोर पार्ट्स करते हैं ये देखें ये ये हमने पार्ट्स कर दिए अभी आपको यहां से नजर आ रहे होंगे क्लैरिटी के लिए मैं आपके लिए लाइंस भी डाल देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगे जी अब आप देख रहे होंगे इसके फोर पार्ट्स हैं फोर पार्ट्स करने के बाद आपने कोई से दो बॉक्सेस शेड कर देने हैं और टीचर को ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के दिखाना है तो टीचर इस तरह की ये तमाम चीज़ें बच्चों को करने के लिए दें कुछ बच्चों को सर्कल दें कुछ बच्चों को स्क्वेयर दें तो बच्चे इनके डिफरेंट पार्ट्स को शेडिड करेंगे शेडेड करने के बाद आपको फ्रैक्शन में लिख के दिखाएंगे तो याद रखें बच्चों के जब भी किसी चीज़ को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो याद रखें कि दो चीज़ें होती हैं अपर पार्ट क्या होता है न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर तो ये तमाम चीजें बच्चों को आप करके दिखाएं लेकिन जब बच्चे आपको रिटर्न में करके दिखा देंगे तब आपने क्या करना है तब इन्हें आपने दोबारा सरअमत के साथ कनेक्ट करना है ताकि हम इनको ग्रुप एक्टिविटी की तरफ लेके जा सकें वेरी गुड बच्चों अभी हम ग्रुप टास्क में क्या करने जा रहे हैं यहां देखें यहां पे हमें एक स्क्वेयर गिवन है स्क्वेयर के कितने पार्ट्स हैं टू पार्ट्स हैं यहां पे हम देख रहे हैं सर्कल सर्कल के कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री पार्ट्स हैं यहां पे कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर पार्ट्स हैं और यहां पे देखें अगर हम सर्कल के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट्स हैं वहां यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पार्ट हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन पार्ट्स हैं आपने क्या करना है आपने इन तीनों फिगर्स में से किसी भी एक बॉक्स को शेडेड करना है शेडेड करने के बाद आपने उसको किस में लिखना है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है।, fractions लिखना है क्योंकि आप जानते हैं कि आप शेडेड को अपसाइड पे लिखते हैं न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट्स को डाउन साइड पर लिखते हैं और जो आपके ये ये तीन है आपको नजर आ रहे हैं इसमें आपने क्या करना है टू टू पार्ट्स को आपने शेडेड करना है और उस शेडेड एरिया को टीचर को डिस्क्राइब करना है और आई होप के ये एक्टिविटी जल्दी से आप परफॉर्म करेंगे परफॉर्म करने के बाद किसको दिखाएंगे टीचर को दिखाएंगे क्योंकि आज आपके हाथों का मुझे जादू चाहिए और मुझे टीचर स्क्रीनशॉट भेजेगी कि आपने इनको कितना ज़बरदस्त किस्म का शेड किया तो इनको शेड करें तो टीचर जैसे ही इसको शेड कर लेते हैं इन्हें इसकी फ्रैक्शन की समझ आ जाती है तो आपने दोबारा इन्हें सारा अहमद के साथ कनेक्ट करना है ताकि हम इंडिविजुअल वर्क की तरफ जा सकें थैंक यू वेरी मच टीचर्स अभी बच्चे क्या करेंगे देखें शेडिड एरिया फोर टोटल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे टू बाय फोर अब ये ऊपर क्या आया शेडिड एरिया और दूसरे नीचे क्या आया टोटल पार्ट तो ये भी याद रखें कि इसको हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर ये क्या होता है ये बेसिकली हम स्पेसिफिक किसी भी चीज में हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज हमें रिक्वायर्ड है जैसे शेडेड है शेडेड किया तो वो शेडेड एरिया हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखा जाता है हमेशा टोटल टोटल जितने पार्ट्स किसी भी होल नंबर के जितने पार्ट्स किए जाएं वो नीचे लिखे जाते हैं तो बेटा आप इसी तरह तमाम शेडेड पार्ट्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें आई uh, होप के ये एक्टिविटी आप विद इन थ्री टू फाइव मिनट्स कर लेंगे तो स्टार्ट डूइंग जब मैं वन टू थ्री फोर कहूं तो आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है सो वन टू थ्री फोर वेरी गुड बच्चों अभी हम क्या करने जा रहे हैं अभी हम रैपअप में क्या करेंगे रैपअप में हम देखें हमें ये होल नंबर्स की फॉर्म में ये सर्कल्स गिवन है तो हर सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें से डिफरेंट एरिया क्या किए हुए हैं उन्होंने शेडेड किए हुए हैं आपने इन शेडेड एरिया को गैस करना है अब यहाँ पे देखें यहाँ पे वन एरिया शेडेड है और वन टू थ्री फोर फाइव टोटल कितने हैं फाइव तो ये मैं आपके लिए कर देता हूँ वन टू थ्री थ्री जो शेडेड एरियाज हैं और टोटल एरियाज कितने हैं फोर हैं तो इस तरह आप इस कंप्लीट शीट को करके दिखाएं टीचर जब आपको बच्चे ये तमाम काम करके दिखा दें तो आपने दोबारा इन्हें साराम रिजॉइन करना है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें बच्चों बारी आई आप होमवर्क की होमवर्क में आप क्या करेंगे घर जाते ही आपने ये एक्टिविटी ओपन करनी है इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर शेड किया गया है तो आपने इसी तरह शेडिड एरिया को किस फॉर्म में लिखना है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है जैसे इसको काउंट करेंगे देखें मैंने आपको बताया शेडेड एरिया को कौन सी साइड पर लिखते हैं अपर साइड पे या डाउन साइड पे जी अपर साइड पे न्यूमरेटर में ये वन और नीचे वन टू थ्री फोर फाइव तो सिक्स तो वन ओवर सिक्स बाद में इसको लिख दिया बाकी तमाम आप लिख के किसको ला के दिखाएंगे टीचर को ला के दिखाएंगे और साथ आपने ये भी शीट देखना है यहाँ हम देख रहे हैं कि एक शीट है यहाँ टू बाय थ्री लिखा हुआ है यहाँ वन बाय फोर लिखा है टू बाई फोर यहाँ थ्री बाय फाइव यहाँ वन बाई टू तो आपने इनको ज्वाइन करना है जैसे सिर्फ एक ज्वाइनिंग मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे देखें वन टू थ्री फोर फाइव तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री बाई फाइव तो इस तरह बाकी तमाम को आपने ज्वाइन करना है ज्वाइन करके लाके किसको दिखाना है टीचर को लाके दिखाना है तो टीचर आपकी ये ज्वाइन की हुई शीट को ना सिर्फ क्लासरूम में डिस्प्ले करेंगी बल्कि आपके लिए थंडर क्लैप भी करवाएंगी क्योंकि थंडर क्लैप से आप होते हैं मोटिवेट इसलिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमें रेगुलरली लाइक like करते रहें सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि आप लोगों की रेगुलर लाइकिंग और सब्सक्रिप्शन हमें इस काबिल करती है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा टिल नेक्स्ट लेसन अल्लाह हाफिज